साल 2020 खत्म हुआ तो हर किसी को एक उम्मीद जगी कि नया साल कुछ अच्छा लेकर आएगा, लेकिन हालात जस के तस हैं। न सिर्फ कोरोना बल्कि अलग अलग क्षेत्र से ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जो हर किसी को परेशान कर रही है। इन सब के बीच अगर फिल्मी जगत की बात करें तो मानो इंडस्ट्री को तो जैसे नजर ही लग गई है। एक के बाद एक बुरी खबरों ने फैंस को चिंतित कर दिया है। गुरुवार सुबह भी इसी तरह की एक खबर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये खबर है अनुपम खेर की पत्नी एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद किरण खेर से जुड़ी हुई है। दरअसल किरण खेर ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। लंबे वक्त से किरण का इलाज चल रहा है। गुरुवार सुबह इस खबर की पुष्टि करते हुए अनुपम खेर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। ये पोस्ट बताने के लिए काफी था कि अनुपम पत्नी की तबीयत को लेकर कितने चिंतित हैं। उन्होंने लिखा, ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अफवाह न फैले। मैं और सिकंदर ये जानकारी देना चाहता हूँ, किरण मल्टीपल माइलोमा जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है उससे पीड़ित है। वो अभी इलाज करवा रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर इससे बाहर आएंगी। अनुपम खेर ने आगे लिखा, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि किरण की देखरेख में बहुत ही बेहतरीन डॉक्टरों की टीम है। वो हमेशा से फाइटर रही हैं और लड़ती हैं। अनुपम खेर ने आगे लिखा है, किरण खेर जो भी करती हैं दिल से करती हैं, उनके दिल में हमेशा प्यार रहता है और यही कारण है कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। आप अपनी दुआओं में किरण के लिए अपना प्यार ऐसे ही भेजते रहें। वो ठीक हैं और रिकवर कर रही हैं। आपको बता दें कि किरण खेर को इस बीमारी का पता पिछले साल लगा था। दरअसल पिछले साल 11 नवंबर को चंडीगढ़ में किरण के एक हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था और वहां पर ट्रीटमेंट के दौरान हुए टेस्ट में मल्टीपल माइलोमा का पता चला था। बहरहाल जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, किरण के फैंस लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो ठीक होकर अपने काम पर वापसी करें। किरण खेर की सेहत से जुड़ी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहे माय बॉलीवुड के साथ।